Hello students, this is your real English book. We are going to read lesson number 6. Come to lesson number 6. Lesson number 6, the spinning sage. Spin. Aapko pata hai, what is the meaning of spin? When we turn round and round and round, that is called spinning. Jab hum aise gol 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 chakkar lagate hain, to use spinning kehte hain. Sage. Sage means a wise person. Okay. First of all, I'm going to read this poem only, then I'll explain it. There lived a sage in days of yore, and he a handsome pigtail wore, but wondered much and sorrowed more because it hung behind him. He mused upon his curious case and swore he had changed the pigtail's place and have it hanging at his face, not dangling there behind him. Says he, the mystery I have found, I will turn me round. He turned him round, but still it hung behind him. Then round and round, and out and in, all day the puzzled sage did spin. In vain, it mattered not a pin. The pigtail hung behind him, and right and left, and round about, and up and down, and in and out. He turned, but still the pigtail stout hung steadily behind him. And though his efforts never slack, and though he twist and twill and tack, alas, still faithful to his back, the pigtail hangs behind him. There lived a sage in days of yore. Long ago, yore means long ago. Bahut saal pehle, ek wise man rehta tha and he a handsome pigtail wore. Usko ek pigtail thi. Ye dekho, ye jo uski choti hai na, isse kehte hai pigtail. Theek hai? Bunch of hair and turn into plaits. Okay? But wondered much and sorrowed more, और वो उसे बहुत wonder होता था और sorry sorrowed more और उसे दुख भी होता था because it hung behind him, क्योंकि ये जो pigtail थी वो हमेशा उसके पीछे ही लटकी रहती थी, उसे उसका बहुत दुख होता था. He mused upon this curious case, इस curious case पे उसने बहुत सोचा कि ऐसे क्योंकि वो हमेशा मेरे पीछे ही रहती है. And swore he had changed the pigtail's place. और उसने शपथ ली, उसने वचन लिया कि अब उस pigtail को वो की जगह वो बदल के रहेगा, वो उसको सामने ला के रहेगा, फेस उसकी प्लेस चेंज करके रहेगा. एंड हैव इट हैंगिंग एट हिज फेस, और उसने सोचा कि अब मैं उसको मेरे फेस में हैंग करूंगा. नॉट डेंगलिंग देयर बिहाइंड हिम, वो उसे अपने पीछे डेंगल नहीं करने देगा, पीछे घूमने नहीं देगा. सेज ही द मिस्ट्री आई हैव फाउंड, उसने कहा, वो कहता है कि मुझे मिस्ट्री मिल गई है. आई टर्न मी राउंड, मैं मुझे गोल घुमाऊंगा. ही टर्न हिम अराउंड, और उसने उसको अपने आप को राउंड घुमा लिया. बट स्टिल इट हंग बिहाइंड हिम, लेकिन अभी भी वो उसके पीछे ही लटक रही थी. देन राउंड एंड राउंड एंड आउट एंड इन, फिर वो राउंड और राउंड घूमता गया. और वो अंदर और बाहर चोटी घूमने के बाद कैसे होती होगी. ऑल डे द पजल्ड सेज डिड स्पिन, पूरे दिन वो स्पिनिंग करता रहा बेचारा दुविधा में कि ऐसा क्यों हो रहा है. इन वेन इट मैटर्ड नॉट अ पिन, लेकिन पूरा व्यर्थ रहा, उस चोटी की जगह जरा भी नहीं बदली. द पिक्टेल हंग बिहाइंड हिम, वो पिक्टेल अभी भी उसके पीछे ही लटकी हुई थी. एंड राइट एंड लेफ्ट एंड राउंड अबाउट एंड अप एंड डाउन एंड इन एंड आउट, उसकी जो चोटी थी राइट लेफ्ट होती थी, राउंड अबाउट होती थी, अप और डाउन होती थी, अंदर बाहर होती थी. लेकिन ही टर्न बट स्टिल दिस पिक्टेल स्टाउट हंग स्टेडिली बिहाइंड हिम, कितनी बार किस प्रकार से टर्न हुआ, लेकिन फिर भी वो जो स्टाउट जो मोटी सी उसकी पिक्टेल थी, चोटी थी, वो उसके पीछे ही स्टेडिली लगी हुई थी, पीछे ही लटकी हुई थी. एंड दो हिज एफर्ट्स वेयर सॉरी एंड दो हिज एफर्ट्स नेवर स्लैक, उसके जो एफर्ट्स थे वो बहुत स्ट्रांग थे, लेकिन और वो हमेशा ट्विस्ट किया, उसने ट्विल किया और टैकिंग भी की, मतलब वो अपने आसपास राउंड एंड राउंड घूमता रहा.
देन उसने जिगजैग मोशन भी करके देख ली, ठीक है, अपने बॉडी को ट्विस्ट करके भी देख लिया, लेकिन अलास, अरे रे, स्टिल फेथफुल टू हिज बैग, द पिगटेल हैंग्स बिहाइंड हिम, उसकी जो पिगटेल थी वो अभी भी उसके बैग के साथ बहुत ही फेथफुल थी और वो अभी भी वहीं लटकी हुई थी. दिस इज ऑल द पोएम. यू रीड इट केयरफुली एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड इट. ओके.